यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके बात करेंगे जी। हर जगह मैं शुरुआत करने की पहले जरूर निवेदन करता। चलिए चलिए, मैं बोलूंगा तो शायद बुरा लगेगा इनको। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है देश का आर्टिकल 164। देश के संविधान में स्पष्ट रूप से न केवल मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बंटवारा, माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मेरे मित्र एक बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं, सब कुछ आराम से हो रहा है। बिल्कुल सच कह रहे हैं, सब कुछ आराम से हो रहा है, क्योंकि सारे निर्णय दिल्ली के 18 चैम्बर में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका न मंत्रिमंडल के गठन में थी, न विभागीय बंटवारे में। तो सब कुछ आराम से हो रहा है, क्योंकि सारा जो नेतृत्व है वो दिल्ली के आलाकमान के निर्णय से हो रहा है। और मैं वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे आर्थिक शिक्षक लखन चौधरी के बात पर 101% सहमत हूँ कि आज कहीं कि दिल्ली के माध्यम से और यहाँ अधिकारियों के माध्यम से छत्तीस में सरकार चलने वाली है। ये 15 साल में नमन सरकार के समय कौन सुपर सीएम था, कौन बैकडोर से शासन चलाता था, कौन अधिकारियों की नियुक्ति करता था, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करता था, स्पेशल सेल गठन कौन करता था, ये सब हमने 15 साल देखा। और कांग्रेस पार्टी में आर्थिक लोकतंत्र है, इसलिए अगर समीक्षा हो रही है वो खुल के अपनी बात कह पा रहे हैं, लेकिन अगर सही मंच में नहीं रख के अगर वो सार्वजनिक टिप्पणी कर रहे हैं तो उसका रक्षात्मक कार्य जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में न छत्तीसगढ़ में लोग विधानसभा चुनाव के समय प्रत्याशी चयन में, न मुख्यमंत्री चुनाव में, न मंत्रिमंडल के गठन में, न ही विभागों के बंटवारे में किसी भी प्रादेशिक नेतृत्व से न चर्चा की जा रही है, न राय मशवरा लिया जा रहा है, सारे निर्णय वहां से लिए जा रहे हैं। और मेरे मित्र एक अच्छी बात दी गई, ये केवल स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये स्थिति मध्य प्रदेश में है, ये स्थिति राजस्थान में है। इसका कारण है आज अमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री का चेहरा था, मैं ये मानता हूँ कि आज 15 साल के मुख्यमंत्री को आप मेरे हिसाब से तो मैं डिमोशन मानता हूँ कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बना देते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान जी को साइलेंट कर दिया जाता है, उनको गगवानी साहब, मेरा एक सवाल यह है कि आप देखिए सांगठनिक के तौर पे दिल्ली में देखिए अजीत जोगी अक्सर कहा करते थे कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो